नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। राजेश खन्ना सिर्फ हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार ही नहीं थे, वो यारों के यार थे। बॉलीवुड में काका के नाम से मशहूर एक्टर के लिए कहते हैं कि जिससे भी उन्होंने दोस्ती की उसकी जिंदगी बना दी। राजेश और मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा की दोस्ती की कई कहानियां सुनी जाती है। इसी दोस्ती की वजह से यश राज फिल्म्स का निर्माण हुआ। आज बॉलीवुड के पावरफुल प्रोडक्शन हाउस में सुमार YRF के बैनर तले कई फिल्में बन रही हैं, लेकिन पहली फिल्म दाग थी। राजेश खन्ना और यश चोपड़ा की दोस्ती की दिलचस्प कहानी है। यश चोपड़ा पहले अपने भाई BR चोपड़ा के साथ काम करते थे। राजेश खन्ना के शुरुआती दौर की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, उन्हें एक अदद हिट फिल्म का इंतजार था। ऐसे में यश ने उनके साथ फिल्म इत्तेफाक बनाई, जिसे राजेश की पहली हिट फिल्म मानी जाती है। कहते हैं कि यश ने सिर्फ 28 दिनों में इस फिल्म को बना डाला था। यश चोपड़ा जब BR चोपड़ा के साथ काम करते हुए पारंगत हो गए तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना अपना फिल्म प्रोडक्शन शुरू करें, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी का साथ चाहिए था। कहते हैं कि एक दिन बातों ही बातों में अपने दिल की बात यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना से कर डाली। फिर क्या था, राजेश खन्ना ने कहा कि किस बात की देर, और दोनों ने मिलकर यश राज फिल्म्स की नींव रख दी। मशहूर लेखक गुलशन नंदा की कहानी पर बनी फिल्म दाग से यश चोपड़ा अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर और राखी भी थी। राजेश और शर्मिला की जोड़ी उन दिनों सुपरहिट जा रही थी, जबकि राखी नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी पहली फिल्म दाग को पोएम ऑफ लव का नाम दिया गया। यश राज फिल्म्स की पहली फिल्म दाग सुपरहिट रही। इसके बाद तो इस प्रोडक्शन हाउस ने बॉलीवुड को तमाम सफल फिल्में दी हैं और आज भी दे रहे हैं। फिल्म की कहानी, राजेश खन्ना का स्टारडम और संगीत, इन्होंने मिलकर ऐसा तिलसम रचा कि सिनेमा घर में दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म को संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने गीत लिखे थे। यश राज फिल्म्स में यश का मतलब दिग्गज निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा से है, और राज लिया गया है हिंदी सिनेमा के करिश्माई सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम से। राजेश खन्ना ने इसी तरह निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के साथ भी शक्ति राज फिल्म्स नाम की एक कंपनी बनाई थी। यश राज फिल्म्स की बनाई पहली फिल्म दाग 27 अप्रैल 1973 को रिलीज हुई। फिल्म दाग को हिंदी सिनेमा का मील का पत्थर माना जाता है, और इसके संवादों का इसमें बड़ा हाथ है, जिन्हें लिखा था उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे शायर और लेखक अख्तर उल ईमान ने। अख्तर उल ईमान इस फिल्म के पहले तक BR फिल्म्स में मासिक वेतन पर लिखते थे। दाग ने उनके कैरियर की रफ्तार बदल दी। यह बात सन 1970 की है कि बंबई के हर दूसरे प्रोडक्शन हाउस में एक ही बात की चर्चा चलती रहती थी, और वो ये कि बलदेव राज चोपड़ा यानी कि BR चोपड़ा के छोटे भाई ने BR फिल्म से अलग होकर अपनी खुद की कंपनी खोल ली है। यश चोपड़ा को अपनी नई कंपनी खोलने का ख्याल भी आया तो राजेश खन्ना की वजह से ही। आखिरकार राजेश खन्ना का कैरियर डूबने से यश चोपड़ा ने ही तो बचाया था। यश चोपड़ा तब BR फिल्म्स के लिए काम किया करते थे। उधर राजेश खन्ना की शुरू की पांचों फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। यश चोपड़ा उन दिनों फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग कर रहे थे, और फिल्म की शूटिंग इसकी हीरोइन सायरा बानो के बीमार पड़ने की वजह से अचानक रुक गई। करीब महीने भर तक का वक्त कैसे काटा जाए, तो इस दौरान यश चोपड़ा ने अपने दोस्त राजेश खन्ना को लेकर सिर्फ 28 दिनों में बना डाली फिल्म इत्तेफाक। ये राजेश खन्ना के कैरियर की पहली बड़ी हिट फिल्म रही। इत्तेफाक की कामयाबी का एहसान राजेश खन्ना ने फिल्म दाग से उतारा, और इसके लिए नए नए निर्माता बने यश चोपड़ा की भरपूर मदद भी की। यश चोपड़ा से उनकी पटती भी खूब थी। फिल्म में हीरोइन के तौर पर आई राजेश खन्ना की फेवरेट हीरोइन शर्मिला टैगोर, और इसी फिल्म से यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा को दिया चांदनी का किरदार। यश चोपड़ा की किसी भी फिल्म में
चांदनी नाम का किरदार सबसे पहले करने का मौका मिला उन दिनों की उभरती अदाकारा राखी को। वहीं राजेश खन्ना के साथ अपनी जोड़ी के बारे में बात करते हुए शर्मिला टैगोर कहती हैं, मुझे लगता है कि काका ने फिल्म दाग में यादगार प्रदर्शन किया। उनका मूछों वाला डैशिंग लुक तो उन दिनों खूब मशहूर हुआ था। वो पहले से ही युवाओं के दिलों की धड़कन थे और साथ ही बहुत अच्छे इंसान भी थे। मैं वास्तव में बहुत आभारी और खुश हूँ कि दर्शकों ने काका और मुझे एक साथ काम करते हुए पसंद किया और हम एक हिट जोड़ी बन गए। हमने साथ में कुछ बेहतरीन फिल्में बनाई और दाग बेशक उनमें से एक है। फिल्म दाग कहानी है सुनील, सोनिया और चांदनी की। हनीमून के दौरान सोनिया पर हमला होता है और उसे बचाने के दौरान सुनील के हाथों एक कत्ल हो जाता है। सुनील को सजाए मौत होती है, लेकिन जेल लौटते समय सुनील को ले जा रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। माना जाता है कि वो मर गया। सोनिया माँ बनती है। सुनील की यादों में जीते हुए वो स्कूल में नौकरी करती है और एक दिन उसे पता चलता है कि सुनील तो जिंदा है। वो चांदनी नाम की किसी रईस महिला का पति बनकर रह रहा होता है। दरअसल चांदनी के गर्भवती होने का पता चलने पर उसका प्रेमी उसे छोड़ जाता है और इस बच्चे को पिता का नाम देने के लिए सुनील ये कदम उठाता है। भली मनसाहत में उठाए गए इन कदमों के निशान नापते कानून फिर एक बार सुनील के दरवाजे जा पहुंचता है। फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा के बारे में अभिनेत्री शर्मिला टैगोर कहती हैं, यश के साथ काम करना अद्भुत अनुभव रहा। मैंने उनके साथ फिल्म वक्त में भी काम किया था। वो हमेशा मस्ती करते थे। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने सेट पर हमेशा सभी को उत्साहित किया। उनके साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिए, अपने पंजाबी प्रेम और सादगी से वो सबका दिल जीत लेते थे। फिल्म की शूटिंग के बारे में पूछे जाने पर शर्मिला कहती हैं, एक दिन हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे और मेरी नींद खुली तो मुझे बर्फ से ढका हुआ माहौल दिखा। होटल की खिड़की से देखने में ये एक आश्चर्यजनक दृश्य था, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि मुझे काम पर जाने के लिए चलकर जाना होगा, क्योंकि कोई कार बर्फ से ढकी सड़क से होकर हमारे पास नहीं आ सकती थी। मैं हेयर और मेकअप के बाद तैयार हुई और बामुश्किल 5 कदम ही चली थी कि लड़कियों के एक झुंड ने मुझ पर बर्फ के गोले फेंकने शुरू कर दिए। मैं मना करने के लिए मुड़ी तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा खेल है और हम तो खेलेंगे। फिर मैंने भी इसका मजा लेना शुरू कर दिया। बस इसके बाद हुआ ये कि मुझे लोकेशन पर पहुंचकर सबसे पहले अपनी साड़ी बदलनी पड़ी, क्योंकि मैं पूरी तरह भीग गई थी। यश ने इसके लिए वहां एक अस्थायी कमरे का प्रबंध कर दिया था। फिल्म दाग में किशोर कुमार का गाया गाना मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं उस साल का सुपरहिट गाना रहा। उस साल की सालाना बिना का गीतमाला में ये नंबर 20 पर रहा और नंबर 7 पर उस साल जो गाना रहा वो था फिल्म दाग का ही गाना, अब चाहे मार उठे या बाबा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। कम लोगों को ही पता होगा कि राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में गाना गाने का बड़ा शौक रहा है। फिल्म दाग में भी उन्होंने एक गाना गाया है जिसके बोल हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। साहिर लुधियानवी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बेमिसाल रहा और दाग बनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। फिल्म दाग की एक दिलचस्प बात और है, और वो ये कि इसी फिल्म से कादर खान ने बतौर अभिनेता बड़े पर्दे पर अपनी पारी की शुरुआत की थी। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले कहा कि दाग यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर राजी नहीं था। ऐसे में राजेश खन्ना ने ये कहते हुए यश चोपड़ा को राहत दी कि फिल्म जब तक लागत नहीं निकाल लेती वो फीस नहीं लेंगे। राखी और साहिर लुधियानवी ने भी यही किया। लोगों ने यश को कहा कि फिल्म फ्लॉप होगी, इसीलिए ज्यादा प्रमोशन करना बेवकूफी होगी। फिल्म को सिर्फ 9 थिएटर में रिलीज किया गया। अगले दिन से ही फिल्म को कई स्क्रीन मिलने लगी और फिल्म हिट हो गई। यश चोपड़ा हमेशा से ही राजेश खन्ना के शुक्रगुजार रहे, क्योंकि उन्हीं की मदद से दाग फिल्म बनी और हिट रही। कहा जाता है कि यश चोपड़ा अपने नाम में राजेश खन्ना का राज लगाया करते थे।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।